माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर वर्ल्ड। माय नेम इज नेहा और आज आपको ले चलते हैं एक न्यू डेस्टिनेशन पर, सांता बारबरा। हम इस समय शाम को निकल रहे हैं फ्रेंड्स। अराउंड 1.5 आवर की जर्नी है हमारे लिए और 93 माइल्स का डिस्टेंस हम कवर करेंगे। और अब हम एलए को क्रॉस कर रहे हैं और ये देखिए न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी, इट्स वेरी नाइस एवरी टाइम आई सी हेयर। और अभी हमारा ये जो 87 माइल्स का डिस्टेंस रह गया ये बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, तो बस अब ज़्यादा ट्रैफिक है थोड़ा सा क्योंकि इट्स अ लॉन्ग वीकेंड। होटल जा रहे हैं, फिर हम जाएंगे और हम जाएंगे मेरे फ्रेंड के घर और फिर हम जाएंगे और पीहू तो इतनी एक्साइटेड हो रही है, जैसे मिलने के लिए पूछ रही थी कि क्या जय मेरे साथ होटल में रहेगा क्या आज। स्वाति मासी से मिलेंगे कल और जय के साथ खेलेंगे कैरेवन, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल रहती है लंबे सफ़र के लिए, सो लोग यहाँ पे मोस्टली से प्रेफर करते हैं। और अभी हम सांता बारबरा जाते हुए काफ़ी पॉइंट्स को टच करेंगे, जैसे वेंचूरा, थाउजेंड ओक्स, ऑक्सनार्ड। फ्रेंड, हम अब पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और अपने कार यहाँ पे पार्क की है और अब हम चलेंगे अपने रूम की तरफ। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। पीहू को बहुत जल्दी थी रूम खोलने की, है ना। और ये है हमारा रूम आज रात के लिए। सो फ्रेंड्स, अब हम इस रूम से चेकआउट कर रहे हैं और पीहू ने बहुत ज्यादा सनस्क्रीन लगा ली है क्योंकि अभी हम जू जा रहे हैं और बहुत बहुत धूप होगी। फ्रेंड्स, वी आर ऑन अवर वे टू जू और द जू हैज बीन रैंक न्यूमरस टाइम एज वन ऑफ द नेशंस बेस्ट स्मॉल जू और इसीलिए इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, नॉट फ्रॉम द कैलिफोर्निया बट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। और फ्रेंड्स, हम जो कुछ भी यहाँ पे देखेंगे मैं आपको पीहू के ज़मानी सुनाना चाहती हूँ कि एक बच्चा जब देखता है तो उसका क्या रिएक्शन होता है और वो कैसा होता है, क्योंकि हमने जू तो कई बार देखे होंगे और वो तो हमने फोटोग्राफ्स या वीडियोस ऐसे भी देख लिए होंगे, बट व्हाट इज़ द रिएक्शन व्हेन अ चाइल्ड सी अ जू, और क्योंकि बच्चों को जू सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, तो लेट्स सी कि कैसा रहता है यहाँ का एडवेंचर और पीहू को कितना पसंद आता है। और पीहू को तो बहुत ज़्यादा पसंद है जू में जाना, वो चंडीगढ़ के छठवीं जू को भी बहुत बार देख चुकी है और अब आ गया है हमारा जू। सो लवली, लेट्स सी व्हाट इनसाइड। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ से जू का सफर शुरू कर रहे हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि जू काफ़ी बड़ा है तो बच्चों के लिए स्ट्रॉलर्स मिल जाते हैं यहाँ पर रेंटे, और आपको 1 सीटर 2 सीटर जैसे आपकी नीड हो उस अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। जैसे तुम हो बहुत क्यूटी भाई है, जैसे मेरी बेबी की तरह क्यूटी भाई। क्यूटी भाई, चलो मेरी बेबी क्यूटी भाई। अच्छा लगा स्नो लेपर्ड? थोड़ा चलता तो मजा आ जाता है। खड़े खड़े बोर ना हो जाए हैं, ये बोल रही हो? पूछ लो इनसे। तुम बोल क्यों नहीं होते? खड़े खड़े बैठ जाओ। खेल लो। हाँ, इनकी लेग्स कितनी पतली हैं, है ना? देखो ना। पेंगुइन। कुछ नहीं।
खड़ो कितनी चल रही है? रियल लाइफ में पहली बार कांगरू देखी हूँ। हैं? पेट ही नहीं कह रहे कांगरू। पेट करने की जरूरत भी नहीं है। ऊपर ही रह काश काश नहीं आना। क्या खा रहे हैं? कहाँ है बेबी? लगता है इनका वॉशरूम है। इनको पता है क्या यहाँ पे आके वॉशरूम कर रहे हैं? इसको तो गेस करना भी बहुत मुश्किल है। 1000? मुझे लगता है 100,000। कैलिफोर्निया कॉन्डोर। ऊहू, वल्चर्स हैं ये। वो देखना कैसे फ्लाई कर रहे हैं। लव इट। तो आज आप देख रहे हैं अमेरिकाज नेशनल बर्ड अमेरिकन बाल्ड ईगल। अमेरिकन बाल्ड ईगल। ये है टर्की। लोग इसको बेचारी को खा लेते हैं और ये अलाइव है और हम इसके साथ प्यार कर रहे हैं। लव यू टर्की। हैप्पी थैंक्सगिविंग। आप भी बोलना चाहेंगे कुछ इसको? अपने आप को सेफ रखना, ध्यान रखना, कहीं तुम्हें खाना। ग्रिल। ओ देखो उसकी बॉडी कितनी सॉलिड है। इसकी अगर लड़ाई हो जाए किसी के साथ तो दूसरा बंदा हारेगा, वो जीतेगा। पक्का है? और क्लाइंबिंग या ऑब्स्टेकल कोर्स की भी चीजें। ओह माय गॉड, तुमने इतना कितना बात सही है उसको। बात तो तुम सही कह रही हो, उसको ये सारे चाहिए तो होंगे। तभी तो इतना स्ट्रांग है। ओह यस, वेरी स्ट्रांग मसल्स। कैट्स। एक भी कैट साथ में नहीं देखे अभी। अभी ये दो तीन ही हैं, खेल रही हैं आपस में। इनका छोटा सा विलेज है, यू कैन इमेजिन राइट। मुझे भी ये लग रहा है लॉयनेस है वो। हाँ बिल्कुल कैमोफ्लेज हुआ पड़ा है वो। मुझे लगा पत्थर है वो। ये टर्टल्स हैं। मुझे लगा पत्थर पड़े हैं यहाँ। व्हाट? हाँ इनके लिए घर तो बने। देखे मुझे लगा घर के अंदर में सेफ, अपने आप को बिल्कुल सेफ बना के रखते हैं। लेग्स देखें कैसी हैं। पापा बोलते हैं ना टर्टल्स बहुत स्लो होती है ना। हाँ रैबिट बहुत फास्ट होते हैं, अपने आप को बहुत फास्ट समझते हैं, पर टर्टल स्लो स्लो करके जीत ही जाती है। लेकिन टर्टल्स ही जीतती है। सिर्फ देखो कितना धीरे धीरे उड़ाता है अपना वो। He's very slow or she is very slow, I don't know. The area. पैर फंस गया। यही तो चैलेंज है इसका, कैसे अपना पैर बचा बचा के। स्पाइडर वेब में तुम्हारा पैर फंस गया। कोशिश कीजिए। ओ निकल रहा है, निकल रहा है। Yes, you have done it. अब सोच समझ के रखना पैर बीच में। तुम्हें सिर्फ रस्सी के ऊपर पैर रखना, नीचे वेब में पैर मत रखो। ऊपर रस्सी के ऊपर पैर रखना है। या दैट्स अ ट्रिक। आई होप फ्रेंड्स आपको ज़ू के कुछ ग्लिम्स देखकर अच्छा लगा होगा। और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं जो हमने विजिट की और मैं आपको भी दिखाना चाहूँगी, बट उससे पहले मैं आपको अपने फैमिली मेम्बर से मिलाना चाहूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिन्होंने हमें US में आकर ज्वाइन किया है। तो हमारे साथ बने रहिए और ऐसा ही प्यार देते रहिएगा।